Hey guys, welcome or welcome back to my channel. This is Riya here and if you are new to my channel, please don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel down below. और आज मैं करने वाली हूँ अपने कॉलेज का व्लॉग, क्योंकि आज हमारा नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है. तो आज मैं व्लॉग करने वाली हूँ और अपने कॉलेज के एरियाज को अच्छे से कवर करने वाली हूँ, जो मैंने पिछली बार कवर नहीं किया था. तो बने रहिए वीडियो के एंड तक. और ये हम पहुंच गए हैं अपने कॉलेज के एंट्रेंस गेट में. ये गेट मैंने पिछली वाली वीडियो में भी कवर किया था और जो जो चीज़ें मैंने पिछली वाली वीडियो में कवर की है वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगी. तो आप वो वाला वीडियो चेक कर लेना, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड कर दूंगी. पिछली बार मैंने कॉलेज का राइट साइड कवर किया था इधर से टर्न करके. आज हम लेफ्ट साइड से टर्न करके इसका एरिया कवर करने वाले हैं, कॉलेज का एरिया. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमको मिलेगा एडमिन ब्लॉक. वहाँ पर सारे एचओडी सर्स वगैरह बैठते हैं, सारे मैनेजमेंट के, और हमारा कोई भी इशू प्रॉब्लम वगैरह रहता है तो हम सबसे पहले वहीं पर जाते हैं. और ये जो सामने हमको बिल्डिंग दिख रही है, ये बॉयज़ हॉस्टल है और ये भी मैंने कवर किया है अपने एक फ्रेंड को बोल के, थोड़ा सा ही कवर किया है. तो आपको आगे वीडियो में देखने के लिए वो भी मिल जाएगा. और उसके बाद ये जो सामने वाला है ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है. यहाँ पर सारे फ़ीस वगैरह सबमिट होते हैं. वैसे तो फ़ीस ऑनलाइन ही सबमिट होते हैं, पर कोई भी इशू वगैरह हो या फिर आपको एडमिशन करवाना हो कॉलेज में तो हमें यहाँ पर सारे फॉर्म्स वगैरह मिल जाते हैं अंदर. और ये है हमारा पार्किंग एरिया, यहाँ पर मोस्टली सारे कार वगैरह पार्क रहते हैं. और इससे थोड़ा सा ही आगे जाके हमारी बिल्डिंग आ जाती है. तो ये है हमारे मैनेजमेंट की बिल्डिंग और हमारी सारी क्लासेस यहीं पे होती है. जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि मैं अभी बीबीए कर रही हूँ दून यूनिवर्सिटी से और ये मेरा फिफ्थ सेमेस्टर है. और आज हमारा फर्स्ट डे था फिफ्थ सेमेस्टर का, क्योंकि आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया था कि वीडियो बनाओ बोल के, तो मैं एक और वीडियो लेके आ गई हूँ. और ये है हमारी क्लास जो कि अंदर से कुछ इस तरीके की दिखती है. और ये मेरे फ्रेंड्स लोग आप लोग को हाई बोल रहे हैं. तो अब मेरी क्लास ओवर हो गई है. अब मैं आगे का कॉलेज आप लोग के लिए कवर करने वाली हूँ वीडियो में. और आज हमारा फर्स्ट डे था तो हमारी एक ही क्लास थी. ग्रीनरी वगैरह ले, हरा भरा कॉलेज दिखाओगे इतना. हाँ, तो बहुत मस्त. ये मेरी फ्रेंड वैष्णवी वीडियो में आगे चल रही है. और हमारी कॉलेज की स्पेशलिटी यही है कि हमारे कॉलेज में इतनी ग्रीनरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है. आप वीडियो में भी देख ही सकते हैं. हमारे कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश सा डस्टबिन भी है. हमारे कॉलेज के बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट है, जैसे कि आपको दिख रहा है वीडियो में. शौर्य बहुत ही अच्छा मैसेज हमको दे रहा है कि हमको गार्बेज इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और हमेशा डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए. और हम ये आ गए हैं हमारे कॉलेज की हिडन प्लेस में, जो कि है हरी भाई की टपरी. ये बॉयज़ हॉस्टल के बगल में ही है. और ये यहाँ पर ये हरी भाई बैठे हैं और ये मेरे सारे के सारे क्लासमेट्स बैठे हैं. हम कभी कभी यहाँ पर आ जाते हैं चिल करने के लिए. ये शायद से हरी भाई की बेटी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूटी पाए है. और ये हमने बन ऑमलेट ऑर्डर कराया था जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी था खाने में. ये मैं और मेरे सारे क्लासमेट्स बन ऑमलेट और फ्रूटी इंजॉय कर रहे हैं. और ये अब हम आगे हैं दूसरी बिल्डिंग में, जहाँ पर लाइब्रेरी भी है और एम कॉम का डिपार्टमेंट भी यहीं पे है. और ये है हमारी लाइब्रेरी. उसी सेम बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में डिज़ाइन डिपार्टमेंट भी है, जहाँ पे बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे डिज़ाइंस वगैरह क्रिएट करके अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है. तो आप अब इंजॉय करिए यहाँ की क्रिएटिविटी.
तो अब हम चल रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल की तरफ और आज मैं पूरा गर्ल्स हॉस्टल कवर करने वाली हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेरे को रिक्वेस्ट किया था। तो गर्ल्स हॉस्टल का एंट्रेंस कुछ इस तरीके का दिखता है और ये वाला सेक्शन है मेस एरिया, यहाँ पर पूरा लंच डिनर वगैरह सर्व होता है। तो ये है हॉस्टल का मेस और अगर आप हॉस्टल में स्टे करने की सोच रहे हो तो यहीं पर आपको आपका ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी होके मिलेगा। और अब हम जा रहे हैं स्टेयर्स लेके रूम की तरफ। ये है गर्ल्स हॉस्टल का जिम एरिया, अगर आप फिटनेस फ्रीक हो तो आप यहाँ पर आकर एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। और ये मैं हूँ और ये कुछ इस तरीके का हमारा कॉलेज का जिम एरिया है। ये गर्ल्स हॉस्टल के अंदर ही है जिम एरिया, यहाँ पर गर्ल्स ही अलाउड है, ऑफकोर्स सी बात है। और मैं आप लोग को रूम टूर भी करा देती हूँ रूम्स का। रूम्स कुछ इस तरीके का है, सिंगल बेड लगा रहता है कॉर्नर में और ये अलमीरा आपको प्रोवाइडेड रहती है। और ये है बॉयज़ हॉस्टल का एंट्रेंस, मैंने एक अपने फ्रेंड को क्लासमेट को बोल के शूट करवा लिया था, वो हॉस्टल में ही रहता है तो उसने ये वीडियो शूट करने में मेरी हेल्प कर दी थी। और अंदर जाके हमारा बॉयज़ हॉस्टल कुछ इस तरीके का दिखता है और मैंने भी कभी मैं अंदर गई नहीं हूँ क्योंकि ऑफकोर्स अलाउड नहीं है, तो मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ आप लोगों के साथ। और ये अंदर का जिम एरिया है कुछ इस तरीके का जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये है मेरा फ्रेंड जिसने मेरी वीडियो शूट करने में हेल्प करी है। और ये बॉयज़ हॉस्टल का मेस एरिया है जहाँ पर आपको अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और ये है रूम जो कि कुछ इस तरीके की डिज़ाइनिंग वगैरह कर रखी है बॉयज़ लोगों ने। और ये है बॉयज़ हॉस्टल का रूम टूर जो कि कुछ इस तरीके के बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है, बहुत ही ज़्यादा काफ़ी एस्थेटिक रूम बना रखा है जो कि अच्छा लग रहा है काफ़ी। और एक सिंगल बेड और अलमीरा प्रोवाइडेड रहती है, बाकी नॉर्मली रहता है। बाकी हॉस्टल में रहने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है फ्रेंड्स लोगों के साथ। और ये है टेरेस का व्यू। और ये है हमारे कॉलेज का कैंटीन एरिया, इसके राइट हैंड साइड में ही हमारे कॉलेज का ग्राउंड है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, विंटर्स में रहती है, पर अभी तो धूप में कौन ही खड़ा होएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल डाउन बिलो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, बाय।